हर साल के आईपीएल सीजन में कुछ न कुछ तो अलग देखने को मिल ही जाता है। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग में कई रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए साल 2008 से अब तक देखा जा चुका है। इस टूर्नामेंट में अब एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया है, वो भी ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक आईपीएल के बाहर भी कोई टीम या कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया है। आईपीएल 2024 के मैच नंबर 57 में दो खिलाड़ियों के सबसे तेज रन बनाने की पारी देखने को मिली। इस साझेदारी को जिसने भी देखा वो इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। हम बात कर रहे हैं 8 मई यानी बीते बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले की। हैदराबाद में हुए इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए नजर आए। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 58 गेंदों में 166 रन के स्कोर को बड़ी आसानी से चेज कर लिया। इन रनों को बनाने की गत इतनी तेज रही जिसके चलते पुरुषों के T20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा 10 ओवर का स्कोर रहा। इस साझेदारी में अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 75 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 6 छक्के भी शामिल हैं। इस दौरान अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 267.85 का रहा। वहीं ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 89 रन बना डाले। हेड के इस पारी में 8 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। इस मुकाबले में हेड का स्ट्राइक रेट 296.66 का रहा। इस मैच में जहां एक तरफ किसी टीम को तूफानी पारी के साथ खेलते हुए किसी खेमे में खुशियां दिखाई दी तो वहीं दूसरी खेमे में हताश और इस तूफानी पारी को रोकने में नाकामयाब सा नजर आया। इस बीच सोशल मीडिया पर केएल राहुल और लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच हुई बातचीत का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। किसी भी मुकाबले में किसी को जीत या किसी को हार मिलती है, लेकिन हार जाने के बाद टीम के खिलाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका केएल राहुल से बड़े रूड तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में संजीव गोयनका को केएल राहुल पर बुरी तरह से बरसते हुए देखा जा रहा है। क्रिकेट का हर एक फैन इस तरह के व्यवहार को गलत बता रहा है। गोयनका के इस बिहेवियर पर कई सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए जा रहे हैं। केएल राहुल से इस तरीके से बात करना कमेंटेटर को भी पसंद नहीं आया। कमेंटेटर भी ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि इस तरह की बातचीत ड्रेसिंग रूम में भी की जा सकती थी। हार और जीत किसी भी खेल के दो पहलू हैं। अगर कोई टीम जीत जाती है तो उसकी जीत को देखकर बौखलाना और अपनी हारी हुई टीम का और मनोबल तोड़ना किस तरह के व्यवहार को बताता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।